फ्रेंड्स, आज आपके न्यू वीडियो में स्वागत है मेरा। तो आज मैं बैठी हुई हूँ बाहर। ये ऐसा मौसम हो रहा है आज का, एकदम ठंडा ठंडा। इतने दिनों से क्या धूप निकल रही थी कुछ टाइम, मतलब धूप निकलती रही 5-6 दिन तक, बहुत गर्मी होती रही, बहुत ज़्यादा गर्मी होती रही, पापा को उठने लगे। अब अचानक से बारिश होगी तो थोड़ा ठंडा ठंडा माहौल हो गया है। तो इस माहौल में मुझे क्या, मैंने सोचा हाथों पर नेल पेंट लगा ली जाए, मुझे बहुत मन कर रहा है नेल पेंट लगाने का। तो इसमें मैं नेल्सों में अपने, मेरे खैर छोटे छोटे ही नेल्स हैं, ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं है नेल्स। तो मेरा मन कर रहा है नेल पेंट लगाने का, तो मैं शायद मुझे मैं ना रेड कलर लगाऊंगी, रेड कलर लगाना चाहूँगी। तो अभी मैं अपने रेड कलर इन क्यूट क्यूट नेल्सों में लगा लेती हूँ नेल पेंट। जी मेरी नेल पेंट है रेड कलर, और मैं इसे लगाना चाहूँगी, मुझे बहुत मन कर रहा था लगाने का। इतने दिनों के बाद लगा रही थी, देख सकते हो आप मेरे हाथ में कोई नेल पेंट नहीं लग रही थी। मैं इसलिए नहीं लगाती सोच के कि है ना काम करो तो छूट जाती हूँ, मतलब इसलिए मुझे फिर मन कर रहा है नेल पेंट लगाने का, मैं लगा रही हूँ। सो गाइस देख सकते हैं, ये मैंने अपने हाथ में नेल पेंट लगा ली है। देखिए बहुत दिनों से मन भी कर रहा था, मैं नेल पेंट ज़्यादा नहीं लगाती ना, इसलिए छोटे छोटे नेल से मैंने रेड कलर लगा लिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो खैर नेल पेंट लगा ली, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी, मस्त लगते हैं यार हाथ भरे हो ना, अच्छे से मेहंदी लगाए हो हाथ में, अच्छे से नेल पेंट लगी, चूड़ी पहनी, बहुत अच्छे लगते हैं भरे भरे हाथ। तो गाइस मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा ब्लॉग बना लिया जाए, दिखा दिया जाए आप सबको कैसा क्या है घर का सिस्टम। बारिश होने के बाद भी बहुत गर्मी लग रही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि उमस उठ रही है ना, बारिश हुई है, पर मेरी हालत देख के लग रहा होगा कि ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है। सो 6:30 बज गए, खैर 6:30 ही बज चुके हैं। बाहर बैठे बैठे ब्लॉग्स बनाते बनाते क्या करूँ, दिन भर अकेली रहती हूँ, बोर होती रहती हूँ, मन ही नहीं करता कुछ काम वाम करने का बिल्कुल भी। काम खैर मेरा पूरा हो जाता है ही नहीं कुछ काम, तो क्या सुबह कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन, खाना खाना, नाश्ता, फिर ये चले जाते हैं 11:30 बजे, फिर बस क्या दिन भर फालतू बैठे रहो फिर, इसलिए क्या करूँ यार, गर्मी और लग रही है, विंडो खोल लेते हैं, हवा आएगी विंडो में। खैर विंडो खोल दिए मैंने, ये देखिए नज़ारा, अगर नीचे रोड है, कुछ काम ही नहीं, शाम के बस बर्तन पड़े हुए हैं, बस एक थाली पड़ी हुई सुबह की, वही ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा पोहा खाया था वही रखा हुआ है, बाकी कुछ है ही नहीं। रह बोर होती रहती हूँ फ्रेंड्स, क्या करूँ घर पे बोरियत, ऐसा लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्री इंसान तो मैं ही हूँ, कोई है ही नहीं फ्री इंसान, मेरे अलावा कोई फ्री इंसान हो भी नहीं सकता, कि घर में बैठे बैठे रहना बोर हो जाते हैं आप लोग। ये खैर ठीक है, कभी कभी क्या काम दिया जाता है, कुछ नहीं फ्री रहो ज़िंदगी अच्छी रहेगी, उलझना में नहीं पढ़ना चाहिए कभी, तो फ्री रहती हूँ दिन भर, यो टहलना टहलना, सोते रहना, उठते रहना, सो कर उठो फिर सो जाओ, बस और कुछ नहीं। खैर अभी तो शाम का देखती हूँ क्या बनाती हूँ, मैं सोच रही हूँ दाल चावल बना लेती हूँ गरम गरम बढ़िया, और अभी नहीं बनाऊँगी अभी तो, खैर ज़्यादा बनाऊँगी अभी नहीं बनाऊँगी, बनाऊँगी 8:30-9 बजे तक, क्योंकि ये तो 10:30-11 बजे आते हैं, तो तभी बनाऊँगी फ्रेंड्स, दाल चावल ही बनाऊँगी डन, क्योंकि दाल चावल का हल्के फुल्के अच्छा लगते हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मज़ा भी आएगा खाने में, तो दाल चावल या के लिए बना लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ। चावल निकाल लिया मैंने, मैंने सोचा बैठे बैठे भी नहीं हूँ, चावल ही निकाल के बीन लूँ, क्या कंट्रोल के चावल है, मेरी मम्मी ने भिजवाए हैं मेरे लिए, कंट्रोल के चावल भिजवाए मम्मी ने बहुत सारे, तो मम्मी ने आधे यहाँ भिजवा दिए, तो चावल बीन लेती हूँ फटाफट, देखती हूँ चावल खाना है, दाल चावल तो चावल तो। सो फ्रेंड्स मैंने दाल उबालने के लिए रख दिए बढ़िया, चावल तो मैंने बीन ही लिए थे, अब बजने वाले हैं 9 तो नहीं बज रहे, 8:30 बज रहे, अभी तो टाइम है बजने में, फिर ये भी आते ही होंगे आधे एक घंटे बाद ये भी आ जाएंगे, तो तक मैं अपने दाल चावल भी रेडी कर लूँ, अभी भी गैस जलाई है मैंने, अभी मैंने चूल्हा उसको क्या बोलते हैं कुकर चढ़ाए हैं, वो दाल धोकर, चावल तो भी नहीं गए थे मेरे, खैर
बाकी तो कुछ नहीं, बैठे रहो थक जाते हैं। लूडो ही खेलने लगती है कि फोन आया नहीं तो फिर मैंने तो शूट कर दी, पर मन करके मन का लूडो ही खेल लो थोड़ा बहुत। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ घर पे, मेरी स्टोर से छुट्टी हो चुकी है। टाइम बजा है 11 बज के 11 बजे मैंने ये ब्लॉग शूट करना चालू किया है। मैं थोड़ा सा आज लेट आया क्योंकि मेरा स्टोरी लेट क्लोज होता है, क्या करूँ। बाकी अब बना रही है रूपाली खाना, क्योंकि मिर्ची ख़त्म हो गई थी हमारे घर में। तो मिर्ची ख़त्म हो गई थी तो रूपाली ने मुझसे बोला था कि मिर्ची लाकर दे देना, तो बस मेरी मिर्ची लाकर दे दी है। तो अब रूपाली बना रही है फटाफट दाल, उसने पापड़ सेक लिए हैं और दाल बना रही है। अब देखते हैं, उसको थोड़ा बहुत टाइम लगे तो पानी, तो अभी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में सब कुछ। पापड़ उसने वो तल लिए हैं, अब ये दाल बना रही है। दाल बनाएगी, फिर वो दाल बना के फिर हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। मेरे को हो जाता है कभी कभी, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है ऊपर नीचे, कभी कभी एक आध फ्रेंड्स वगैरह मिल जाते हैं मेरे को, तो थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ उनसे। अच्छा लगता है दोस्तों से भी कभी कभी मिलना, ज़रूरी है भाई। ऐसा नहीं कि कुछ काम कर रहे हो, शादीशुदा हो गए हो, काम कर रहे हो, शादी कर लिए, तो दोस्तों से मिलना ही नहीं है, जुलना ही नहीं है। तो गाइस, मैंने आपको बताया था मेरे वीडियो में कि मैं खाना बना रही हूँ, तो मैंने जब से वीडियो ही नहीं बनाया है क्योंकि ये ही नहीं आए थे, मिर्ची का कब गई थी देखी ही नहीं। तो मैंने चावल तो ऑलरेडी बना ही लिए थे, ये मेरे चावल चढ़े कुकर में बन गए और दाल बस नहीं रह गई, तो मैंने सोचा बना लूँ कि इनसे बोल दूंगी। चल छोटी मिर्ची, कोई नहीं गाइस, मिर्ची रखी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है, सब उसके बहाने हैं वीडियो बनाने के। झूठ मत बोल ठीक है, मेरे को पता है तेरा सब झूठ, एक नंबर झूठ बोलती है तू, बिल्कुल झूठ, ठीक है ना। यहाँ पर पानी पकड़ रहा है पंचू, पता है आज मैं काम कर रहा था स्टोर में, देखो मेरे हाथ में बहुत तेज लग गई, ये देखो कितनी तेज लग गई, देखो पता बहुत दुख रहा है ये। मिर्ची भर दूँ? नहीं नहीं गाइस, लगी हुई है मेरी उंगली में, बोल रही मिर्ची भर दूं, तेरे आँख में भर दूंगा मिर्ची, अंधी हो जाएगी। तो देखूंगी कैसे, तुम मुझे देखो कैसे, मेरी आँखों में थोड़ी भरूंगा, तेरी आँखों में भरूंगा। अपन दोनों तो एक ही है ना, मेरी आँख भरे चाहे तुम्हारी आँख में, हम तो बस मेरी आँखों से देखेंगे ना, फिर मेरी आँखों से। तो गाइस, आज मैंने लंच नहीं किया, 6 रोटी लेकर आता हूँ, 2 रोटी खाकर आता हूँ, कभी कभी हो जाता है, भूख नहीं लगती है। थोड़ा सा ठंड का मौसम चालू हो गया है, ठंड थोड़ी गर्मी थोड़ी ठंड। तू कैसी लग रही बेटा, तूने आज नहाए नहीं क्या? नहा लिया है। पली तो जैसी क्यों लग रही है? सब्जी बचा के लाया। तो हेलो गाइस, सब्जी बचा के लाया हूँ मैं, रूपाली खाएगी तुम्हें को खिलाऊंगा बेटा सब्जी, अभी तुम ही खाओगी, गर्म कर लेना बिट्टू, ठीक है ना, मैं खाऊंगा, फेंकना मत उसको सब्जी को। तो फाइनली गाइस, वो घड़ी आ चुकी है कि रूपाली का खाना बन चुका है, रूपाली ने खाना बना लिया है, रूपाली ने खाना बना लिया है, अब बारी है खाना खाने की। तो रूपाली अभी भी कढ़ाई में चम्मच पता नहीं क्यों घुमा रही है, रूपाली को सदमे तो नहीं पड़ रहा है? रूपाली तुम्हें सदमे पड़ रहा है क्या? अरे सदमे नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे लिए खाना बना रहा है। तो आ जाओ जल्दी से, भूख लगी बहुत तेज मुझे। ये क्या खाए, क्या है ये? तो देख सकते हैं गाइस, रूपाली जी ने कुछ फाड़ा है पन्नी से, ये देख सकते हैं गाइस, रूपाली जी ने प्लेट में कुछ निकाल लिया है, दाल चना सा, क्या है? दाल चना सा भेलपूरी गाइस, भेलपूरी। रूपाली जी ने लेमन भेलपूरी निकाल ली है, देखिए रूपाली जी का चट्टापन कैसा फैल रहा है। ए कहाँ फेंक रही बेटा, कुछ चालान काट के चला जाएगा 2000 रुपये का। ए रोड पे गाइस, रोज रोड पे कचरा फेंक दिया, नगर निगम में कंप्लेन कर देना इसकी, नगर निगम में कंप्लेन कर दूंगा। मेरा पति हो और उसकी दुश्मन हो, आया देख सकते हैं गाइस, ये भेल लेकर आ रही है, ये देखिए गाइस, देख सकते हैं रूपाली जी ये भेल लेकर आ चुकी है, ये देखिए ये भेल, क्या बोल रहे हो आप? बड़ा मेरी बात सुनो, रोटी चाहिए मुझे गरम, तोड़ दो तुम अपना ये भरम, अच्छे होंगे तुम्हारे कर्म, इसलिए रोटी चाहिए मुझे गरम। मजा आया, मस्त जोक मारा। सो गाइस, फाइनली हम खाना खाने, सो गाइस मेरे हाथ में फोन छूट गया था, तो ये हम खाना ही खा रहे हैं। मैंने आपको शाम को रूटीन बता दिया था क्या कैसा था, आपको बता दिया, लेट खाना बनाया मैंने, खैर कुछ ना, इतने टाइम होता वैसे हमारा खाना, दोबारा रिटर्न करना पड़ता है,
बस इससे अच्छा है कि खाना ही बना लिया, इतना लेट क्या दिक्कत है। सो गाइस आप भी खा लीजिए खाना, ये तो खा रहे हैं मस्त दाल चावल बना, कह रहे आज की दाल तो बहुत बढ़िया बनी है, अच्छी सोनू अच्छी बनी है, जहर 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 बनी है, जहर कह रहे जहर बनी है, जहर ये खाना देखो जहर बनी है, जहर तो हेलो दोस्तों, फाइनली मैंने रूपाली को बहुत भयंकर तरीके से डरा दिया, बहुत भयंकर तरीके से, बेचारी डर गई। सदमे में, सदमे में तो नहीं हो क्यों रूपाली? शतल दिखाओ, दिखाओ सदमे में, ठीक है ना? सदमे में हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप सदमे में हो। नहीं, मैंने खाना खा लिया है, बची है रूपाली, रूपाली जी, रूपाली जी बची है खाना खाने के लिए, तो रूपाली जी ने भी खाना खा लिया है, रूपाली जी ने भी जल्दी से खाना खा लिया, रूपाली जी बहुत जल्दी खाना खा लेती हैं। नहीं नहीं वो मैं नहीं खाऊंगा यार, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए, पानी भर के रखो अभी नहीं है। हाँ पानी भर के रखो, मेरे को बहुत तेज प्यास लग रही है। गाइस हम दोनों ने खाना खा लिया है, कैसी स्माइल ले रही है, शेयर करना, कमेंट करना प्लीज़, बिना किए मत जाना प्लीज़ गाइस। बहुत बहुत मेहनतों से बनाती हूँ मैं अपना ब्लॉग, हम मिलकर बहुत ज़्यादा ये एडिट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं गाइस, तो प्लीज़ हमारा एक लाइक, हमारी मेहनत का फल दे देना, एक लाइक करिए प्लीज़, थैंक यू गाइस। और गाइस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, और हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए गाइस, और खाना खाते रहिए गाइस। ओके गाइस थैंक यू, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में, बाय गाइस, गुड नाइट।